प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले तीन वीडियो में कुछ विशिष्ट कोण, कौन कौन से कोण, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात किए थे अपने पिछले तीन वीडियो में। और इसकी एक सारणी हमने यहां पे बना ली है कि 0 डिग्री के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6:6, उनके मान क्या होंगे। इसी तरह से 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, तो हमने ये सारे मान किस तरह से आते हैं ये हमने सीखा है अपने पिछले तीन बेसिक वीडियो में। प्यारे बच्चों, अब ये टेबल हमें बार बार यूज करनी पड़ेगी। अब जब हम इसको बार बार यूज करेंगे तो बार बार से हम उनको प्रूव तो करेंगे नहीं, उनका प्रूफ तो बार बार करेंगे नहीं, तो अब हमें ये देखना है कि हम इनको किस तरह से, किस ट्रिक से इनको, इस टेबल को आसानी से बना सकते हैं। तो हम इसमें दो ट्रिक यूज करेंगे। एक तो ट्रिक हम यूज करेंगे कि अगर हमें ये टेबल बनानी पड़ जाए तो किस तरह से हम इस टेबल को बनाएंगे, और दूसरा अगर हमें इनके मान बीच बीच में से कहीं से मान ज्ञात करने पड़ जाए तो किस तरह से हम मान इनके ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें साइन ए का मान चाहिए और कोस ए का मान चाहिए। अगर हमारे पास साइन ए और कोस ए का मान आ जाता है तो उससे हमारे पास टेंजेंट ए, कोट ए, सीकेंट ए और कोसिकेंट ए का मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन बटे में कोस कर देंगे, साइन ए बटे में कोस ए कर देंगे तो टेंजेंट ए आ जाएगा, साइन का विलोम कोसिकेंट ए आ जाएगा, कोस का विलोम सीकेंट ए आ जाएगा और टेंजेंट का विलोम कोट ए आ जाएगा। यानी कि अगर हम साइन ए और कोस ए का मान निकाल लें तो बाकी के मान हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से फास्ट तरीके से, बेहद जल्दी से इस टेबल को हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि यहां पे हमारे पास कोण ए है, यहां लिख लेते हैं साइन ए, फिर कोस ए, टेंजेंट ए, कोट ए, सीकेंट ए और कोसिकेंट ए। तो ये हमने क्या कर लिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए। अब हम यहां पे लिख देते हैं, कहां पे, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, साइन ए के निकालने हैं हमें साइन 0, यहां 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दें, 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3 और 4, तो ये हमने काउंटिंग लिख दी। कहां तक लिखी, 4 तक, तो सबके बटे में 4 कर दें, सबके बटे में 4 कर दें और इसका वर्गमूल कर दें, और इसका वर्गमूल कर दें। सभी जगह पे हमने क्या कर दिया, इसका वर्गमूल कर दिया। तो बिल्कुल आसान सी बात है, हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3 और 4 लिखा, सबके बटे में 4 कर दिया और सबका वर्गमूल कर दिया, सबका वर्गमूल हमने कर दिया। अब देखो 0 बटे में 4 तो 0 ही होता है, 0 का वर्गमूल तो कितना आएगा, 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। अब देखो यहां 2 बटे 4 है तो कट जाएगा, ये तो 1/2 आ गया वर्गमूल के अंदर, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही आ गया और ये वर्गमूल 2 हो गया, और यहां पे कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 अलग कर दिया और 4 से हमें कितना मिल जाएगा, 2, 4/4 कट के 1 आ जाएगा तो 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1। तो देखो हमारे पास साइन के लिए मान आ गए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही तो मान थे हमारे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो ये मान हमारे पास आ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। तो यहां से
हमारे पास मान आ गए जीरो, एक बटे दो, एक बटे वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन बटे दो और एक। अब कोस के लिए हमें क्या करना है, इनको इस तरफ से शुरू कर देना है ऐसे। कोस के लिए हमें क्या करना है, इधर से शुरू कर देना है। सबसे पहले कितना आ जाएगा एक, फिर क्या आ जाएगा वर्गमूल तीन बटे दो, फिर कितना आ जाएगा एक बटे वर्गमूल दो, फिर कितना आ जाएगा एक बटे दो, और फिर कितना आ जाएगा जीरो। तो देखो हमने बात की थी, अगर हमारे पास साइन ए और कोस ए के मान है तो हम बाकी के मान भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास साइन ए और कोस ए के मान आ गए। अब टेंजेंट रे देखो क्या होते हैं, जीरो साइन ए बटे में कोस होता है टेंजेंट रे, तो जीरो बटे में एक कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, जीरो बटे में एक जीरो आ जाएगा, और एक बटा दो और बटे में वर्गमूल तीन बटा दो, तो ये दो कट जाएंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा एक बटे वर्गमूल तीन। अब देखो ये भी एक बटा वर्गमूल दो और ये भी एक बटा वर्गमूल दो, तो कट के कितना आ जाएगा एक। यहां से वर्गमूल तीन बटे दो और एक बटा दो, दो तो कट जाएगा, तो वर्गमूल तीन बटा एक आ जाएगा, तो वर्गमूल तीन बटा एक कितना हो जाएगा वर्गमूल तीन। और यहां पे एक बटे में जीरो, तो अगर बटे में जीरो आ जाए तो क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखो साइन ए कोस ए टेंजेंट ए का मान आ गया कोट, कोट टेंजेंट का विलोम होता है, जीरो का विलोम क्या होगा अपरिभाषित, और एक बटा वर्गमूल तीन का वर्गमूल तीन हो जाएगा, एक का एक ही होगा, वर्गमूल तीन का हो जाएगा देखो वर्गमूल तीन बटा एक है ये, तो ये हो जाएगा एक बटा वर्गमूल तीन। तो जीरो का अगर अपरिभाषित है तो अपरिभाषित का कितना आ जाएगा जीरो। अब सीकंड पे आ जाओ, कोस का विलोम है तो एक का विलोम तो एक ही होगा, वर्गमूल तीन बटे दो का कितना आ जाएगा दो बटे में वर्गमूल तीन, एक बटा वर्गमूल दो का कितना आ जाएगा वर्गमूल दो बटा एक यानी कि वर्गमूल दो, और एक बटा दो का कितना आ जाएगा दो, और जीरो का कितना आ जाएगा विलोम अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक इसी तरह से कोसिकेंट ए साइन ए का विलोम है तो जीरो का क्या आ जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। और यहां से एक बटा दो का कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं इसको अपरिभाषित, और 30 डिग्री के लिए एक बटा दो का कितना हो जाएगा दो, एक बटा वर्गमूल दो का कितना हो जाएगा वर्गमूल दो, और वर्गमूल तीन बटा दो का क्या आ जाएगा दो बटा वर्गमूल तीन, और हमारे पास एक का विलोम कितना आ जाएगा एक ही आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास टी रेशियोज हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फिर क्या बोलेंगे हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये टी रेशियोज हमने निकाल दिए। अब जैसे अगर हमें प्रूफ करना है तो हमने अपने बेसिक वीडियो में प्रूफ सीखा इसका, और जब हमें टेबल ये यूज करनी पड़ेगी कहीं पे, हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है, आपके पास कोई ट्रिक होनी चाहिए जिससे आप इसको बड़ी आसानी से याद कर सको। तो बेस हमारा ये हो गया, बस आपको थोड़ा सा ये काम ध्यान रखना है, इसके बेस पे आप ये पूरी की पूरी टेबल बना सकते हो। तो इसमें हमने क्या सीखा, बिल्कुल इजी सी बात है। अब इसको देखें आप, ये सारा का सारा काम आपको कितना डिफिकल्ट लग रहा होगा, अब आप देखिए ये सारा का सारा काम 10 से 15 सेकंड का है। हमें देखो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए चाहिए था, तो क्या था ये 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड में 4 किया, सबका रूट किया, और 0 बटा 4 0, 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, इससे 1 मिलेगा, नीचे 2 मिल जाएगा, ये कट के 1 बटा 2 आ गया, तो 1 से तो 1 ही मिल जाएगा, और ये वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 3 बटे में 2 और ये 1, तो ये साइन के मान आ गए। कोस के मान उल्टे शुरू हो जाएंगे, टेंजेंट के मान साइन बटे में कोस आ जाएंगे, और बाकी के 3 इनके विलोम कर देंगे तो मान आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक छोटा सा वीडियो, इस वीडियो में हमने एक बेहद इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात की जो ये हमारे पास सारणी है, ये जो टेबल है, इसको हम बनाएं ताकि क्वेश्चंस में अगर हमें कहीं भी यूज करनी पड़ जाए तो हम इसको यूज कर सकें। तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 और उससे आगे की एक्सरसाइज के लिए ये जो टेबल है वो बेहद इंपॉर्टेंट टेबल है। थैंक यू वेरी मच।